लोग? जिस पुलिस को तूने हमारे बारे में बताया ना, उसी पुलिस वाले ने तेरा नाम, नंबर, एड्रेस सब हमें दिया है। हमने तो तेरा घर देख लिया है, अब तू चल के हमारा घर भी देख ले। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग मुझे उठा ले जा रहे हैं, और ज्यादा नाटक की ना तो तुझे भी उठा लेंगे, समझी? वाओ, दिस इज ग्रेट। मैंने तो कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे आज तक किसी ने नहीं उठाया। तुम लोग कुली हो ना बेटा, कुली हो ना, एक बार उठाओ ना मुझे। अरे मैं एंड तू मेरी बात सुन। अरे छोड़ ना बेटा इसे, है तू ये झोला पकड़, मैं आती हूँ। तू इधर आ, एक बात बता, तू कभी भी इतनी अच्छी महंगी इम्पोर्टर गाड़ियों में बैठी है? नहीं ना, हट जा गेंडे, कहाँ खड़ा है, कैसे निकलेंगे? हाँ उधर चल, चल उधर, आराम से इन लोगों के साथ जा, क्योंकि तुझे तो सिर्फ गेट तक ही जाना है। ओ आंटी, लेकिन गेट पे हम लोगों को रोकेगा कौन? ओ कालू, रोकेगा नहीं, ठोकेगा। और टकले ध्यान से। हेलो जय, सामने से हटना। अबे तेरी तो, अबे मम्मी बताता हूँ तेरे को। जल्दी से और लोगों को भेजो हमें बचाने के लिए। इधर भाग रहे हो? अरे चल जल्दी चल। टीचर में आ गए, गेट पे कौन रोकेगा, साले बहुत बोल रहा था। अबे और लोगों को फोन करना। अब क्या अलकायदा को फोन लगाऊं? ओपे ये तो कर रहा है, अरे जानवर है क्या? सालों, तुम लोग मरवा के ही रहोगे। हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमसे गलती हो गई। माजी माँ कसम, माजी जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चुप, अगर तुम्हारे माँ बाप ने कुछ अच्छी चीजें सिखाई होती, तुम लोगों को दो चार थप्पड़ लगाए होते बचपन में, तो आज ये नौबत ना आती। कौन है तेरा बाप? बहुत पावरफुल आदमी है माजी। अरे बेटा जी, तो उनसे क्या सीखा?
अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सुना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तू बैठ, मैं दक्षिणा लेके आती हूँ। क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं करने नहीं, करवाने आया हूँ तेरी शादी बच्चू। माँ जी को बहुत सारी लड़कियाँ पसंद आ गई हैं। तू मेरी माँ को उल्लू बना रहे? अरे माँ जी को उल्लू मैं कैसे बना सकता हूँ, वो तो लेडीज हैं। डोंट गेट फिजिकल, टच मी। टच मी? माँ जी देखो मेरे को मार रहे। जे जे, तुझे मेरी कसम है तू पंडित को मारेगा नहीं। अब बोलो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी कुंडली में आज पिटना लिखा है? अच्छा, कौन पिटेगा मेरे को? तू ही सबको पीटता है ना, तेरे को तो कसम दे दी गई है। यार एक बात बता, इतनी अच्छी फोटो में सब सुंदर लग रहे हैं, ये चेहरा क्यों ढका हुआ है? यार उतार इसको, आई एम इंटरेस्टेड। यू इंटरेस्टेड? या तो फिर खुद ही उतार लो ना। इतनी बॉडी बनाई हुई है, इतनी ताकत नहीं कि ये कागज उतार दो, ये भी मेरे को उतारना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट का सूद पड़ा। इंटरेस्टेड? क्यों मेरा मरेगा? पहले इस मनुष्य के चेहरे को फिर से ढक। ये लो, ढक दिया। माँ, आपको मनहूस बना दिया इसने। कमीने! अरे क्यों मरे मेरे को? अरे क्यों मरे मेरे को? ये लो उतार दिया। देखो, विदाउट गेटिंग फिजिकल मेरे को बताओ आखिर ये भली लड़की है कौन? ये भली लड़की है कौन? कहाँ है काबा? काबा, उड़ा चल ले। अरे हटो पीछे तो। पड़ जाएगी। मतलब मैं जब इतने साल से तेरे लिए लड़के देख रही थी और तू उस दौरान इस लड़के के साथ घूम रही थी, जब तू कह के जाती थी कि तू फिल्में देखने जा रही है या तू ट्यूशन देने जा रही है, अपने दोस्तों के घर जा रही है, तब तू इसके साथ घूमती रहती थी। मतलब वो सब कुछ तूने झूठ बोला? हा? जी हाँ, क्योंकि आपके हजारों बेकार सवालों के मैं जवाब नहीं देना चाहती थी, जैसे कि लड़का कौन है, किस खानदान का है, कमाता कितना है, जात पात क्या है, गोत्र कौन सा है, वेज है या नॉन वेज है। कैसे बात करूं? मेरे क्या कोई सवाल किया तुमसे? जय, अरे कुछ तो बोलो। गीता के आउटबर्स्ट के बाद माँ इमोशनल हो गई और माँ के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे। कहना ये चाहती है कि तुम दोनों की शादी सक्सेसफुल हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाए, तुम्हारा काम धंधा भी ठीक चलने लगे, रोमांस अब भरपूर हो और इन शॉर्ट बेसिकली जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो और हमारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, समझे? थैंक यू। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी, थैंक यू। रुक जा, भाग जा तू। क्या है नॉनसेंस? कुछ नहीं है, चल जाए। चलो माँ, कांग्रेस और पिटने के आदि हो जाओ। ये अपने आप को समझती क्या है ना जय? जय जय जय। और उस दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे जय की शादी अपनी पसंद की किसी लड़की से करवाऊंगी। थोड़ा पानी मिलेगा? लो। थैंक यू छोटे जुए। हट। हाँ? ए, अरे स्कूल की मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज। क्या सोमा भाई? बढ़िया है जय बाबू। क्या सोमा भाई? यार सोमा भाई, रिस्पेक्ट, इंडियन कल्चर। क्या बच्चा है ये? रूल्स के हिसाब से टीचर्स तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जय बाबू, ये बड़ा होके आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। रुको एक मिनट। जय? यस मैम। ये सुमन है। हाय सुमन। इसकी मदद के लिए कोई आने वाला था, वो नहीं आ रहा, तुम इसकी मदद कर दो। अरे मामू, हेल्प कर दो ना यार, मेरी हिस्ट्री टीचर है यार। ओके मैम, थैंक यू। वहां कहां जा रहे हो? मॉम, यहां से शॉर्टकट पड़ता है। अच्छा, टिफिन फिनिश किया? हाँ। अच्छा, वो दीपक अपनी कॉलोनी में रहता है ना? हाँ। तो क्लास के बाहर क्या लेक्चर दे रहे थे तुम उसे? मॉम, वो मुंह तो स्कूल ही नहीं आता है, हर वक्त बहाने बनाता रहता है। हाँ? हाँ। And now we have to solve integration of trigonometric functions. Yeah. Miss? Yes, ma'am? ये जय लड़कियों की क्लास में क्या कर रहा है? आप खुद ही देख लीजिए।
ये लड़की बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट है। ये अपनी कमी को कमी नहीं मानती, हमेशा फर्स्ट आती है। देखिएगा आप, एक दिन ये जरूर अपनी जिंदगी में एक मिसाल बनेगी। ये इसके बाद थोड़ा स्लो है। जिम में इतना नहीं था पाऊंगा। मिस, यस, एक पेपर और पेन मिलेगा? श्योर, ये लीजिए। Full stop. Everybody, pens down and leave. Thank you, Jay. Welcome. Thanks. ये लीजिए। Jay? Thank you. ये क्या है? Spelling वगैरह ध्यान से लिखना, बिचारी को फेल मत करा। देना। आपकी बहन ने दिया है। Very funny. 500, sir. 500 रुपया? यार ये कैंटीन वाले तो लूटते क्यों हैं यार? अब समझा, इसीलिए मिडिल क्लास वाले अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं निकलते। आज तू इतना भड़का हुआ क्यों? अरे कुछ नहीं मामू, वो अपनी बाजू वाली नई पड़ोसन है ना, उसने मेरी नाक में दम करके रखा यार। क्यों? कब से छोटा चूहा चिढ़ाती रहती है। छोटा चूहा? अरे मामू, एक दिन मैं नहा रहा था तो बिना नोक के अंदर घुस गई, बस तब से छोटा चूहा। सुन, जब तू नहा रहा था तो ठंडे पानी से नहा रहा था या गर्म पानी से नहा रहा? हाँ सिली मामू, अब इससे क्या फर्क पड़ता है मामू? अबे बहुत फर्क पड़ता है बेटा, इसलिए जब नहाओ तो बाथरूम का दरवाजा बंद करके नहाओ। जय, इसे प्लीज बाथरूम लेकर जाना। अंकल वॉशरूम जाना है। हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ। भतीजी किसकी है? मेरी है यार, तू खड़ा था इसीलिए। ना ना, तुम ये ट्रेलर कभी मिस नहीं करना, नेशनल एंथम यार। हाँ बेटा, अंकल चलो ना, बहुत जोर से आई है, प्लीज। बेटा लेडीज टॉयलेट है ना, मैं प्लीज चलो ना, मैं आपको अंदर कैसे, प्लीज चलो ना। एक्सक्यूज मी मैडम। आंटी आंटी, आंटी, आई वांट टू गो टू द वॉशरूम वेरी बैडली। सेम पिंच बेटा, चलो चलो आ जाओ। आंटी, हाँ, सेम पिंच। क्यों? मैंने और आपने सेम कलर की अंडरवेयर पहनी है। नो। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आ जा बेटा, लेट्स गो। आंटी, सेम पिंच। सेम पिंच? आंटी ने भी पिंक कलर की अंडरवेयर पहनी है। यस, यस। छोटे मामू, दिस इज द पड़ोसी, अब देखता हूँ कैसे चिढ़ाती है छोटा चूहा। कभी ना पिंकी, रिंकी, आज से तू पिंकी। पति गयी हूँ अब शहर में, टिंडोरा पीटूंगा। चल चुप चुप। सुमन, क्या हुआ? मैम, मेरे भाई एग्जाम में लिखने के लिए आने वाले थे। हाँ, पर अभी तक नहीं आए। ओ अच्छा, रुको, नंबर बोलो उसका। हेलो हेलो भैया, कहाँ हो तुम? बेटा मैं पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में फंसा हूँ, बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। हेलो 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 सुमन, हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया। फोन को भी अभी डेड होना था। सुमन, सिर्फ 15 मिनट बाकी बेटा एग्जाम शुरू होने में। क्या हो रहा है साहब, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पीछे मरीज का हालत बहुत खराब है साहब। कबीर! अरे चाचा, क्या हुआ आगे? पुलिस ने रास्ता रोक रखा है। हेलो मामू, कबीर बोल रहा हूँ, आप कहाँ पे हो? मैं ट्रैफिक में अटका, बोलो। अरे नहीं मामू, वो जो अपनी सुमन है ना, उसका भाई आने वाला था पेपर लिखने के लिए।